मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, दूध संघ बना भ्रष्टाचार का अड्डा। भोपाल दुग्ध संघ हबीबगंज भोपाल में कुछ दिन पूर्व करोड़ों की चोरी कुछ ठेका श्रमिकों द्वारा पकड़ी गई है। यहां श्रमिकों की उपस्थिति पत्रक में लगभग 4 साल से हेराफेरी चल रही थी, जिसका पता श्रमिकों को कुछ समय पहले से हेराफेरी का आभास हो चुका था, लेकिन साक्ष्य के अभाव में उसमें कुछ पहल नहीं की जा सकी और इससे मुख्य कार्यपालन अधिकारी और इनके चहेते ठेकेदार गोपाल विश्वास और इनका सुपरवाइजर नीलेश बघेल, इन तीनों की आपसी सांठगांठ से और साक्ष्य के अभाव में इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। इस प्रकार इनके द्वारा लंबे समय से प्रतिदिन लगभग 30-35 हजारियों में हेराफेरी की जाती थी। ठेकेदार को ठेका श्रमिकों के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त संबंध में जो लोग हेराफेरी में लिप्त थे उनके खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं की गई। हेराफेरी कर्ता नीलेश बघेल, मनोज मंडल, दीपक बघेल, अशोक सोनी, ओम प्रकाश सिंह, अशोक गोस्वामी, इन सबके द्वारा ठेका श्रमिकों को डरा धमका कर ठेका श्रमिकों को अतिरिक्त हजारियों की वसूली की जाती थी। इन 6 लोगों द्वारा ठेका श्रमिकों को धमकियां दी जाती थी। सर क्या मामला है? मामला ये है, हम साक्षी दूध संघ में काफी वर्षों से कार्य कर रहे हैं। साक्षी दूध संघ में लगभग पिछले 8 सालों से गोपाल विश्वास का टेंडर है, जिसके टेंडर में हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले ठेका श्रमिकों को द्वारा कुछ हाजिरियों की जो हेरा फेरी थी उसे पकड़ी गई, जिसके साथ साथ सबूत भी है। और इस पूरे घटनाक्रम को गोपाल विश्वास ठेकेदार के समक्ष रखा गया, जिसके द्वारा ये दिया गया आश्वासन कि जो इसमें दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जो दोषी थे वो आज भी अपना कार्य कर रहे हैं। इसमें जो मेन अपराधी था नीलेश बघेल, उन्होंने सिर्फ सजा के तौर पे, कार्रवाई के तौर पे सिर्फ उसे गेट से बाहर करा है, बाकी उसके खिलाफ कोई पंजीकरण नहीं है। और उसके द्वारा जो मिनिमम पर डे की 35 हाजिरी की जो हेरा फेरी हो रही थी उससे कुछ भी उन्होंने वो नहीं ली है, ना उससे पूछा गया, ना उससे उसके ऊपर कोई जांच बिठाई गई, ना ही प्रशासन द्वारा बिठाई गई और ना ही ठेकेदार द्वारा बिठाई गई। सर आज गोविंदपुरा थाने पहुंचे, आपका आश्वासन मिला? गोविंदपुरा थाने में आके हमें आश्वासन ये मिला है कि जो शिकायत हमने दर्ज कराई है, जो शिकायत हमने कुछ समय पहले ठेकेदार को दी थी पूरे सबूत के साथ, साक्षर सबूत के साथ हमने, जिसके द्वारा नीलेश बघेल द्वारा जो हमें परेशान किया जा रहा था, डराया जाता था लड़कों से अवैध कुछ कुशल के नाम पे 10,000-20,000 की जो वो मांग करते थे, उसके साक्षात हमने सबूत भी दिए और उसके द्वारा जो लड़कों को धमकी दी जाती थी वो तक उनको सुनाई। उसके बावजूद भी हमें कोई निर्णय नहीं मिला। कोई मतलब एक तरीके से ये देखा जाए कि साक्षी दूध संघ में जो पर डे की जो हाजिरी चोरी होती, जो कि करोड़ों का मामला है, और ये मामला मिनिमम 3-4 साल पहले से चल रहा था, लेकिन जो ये मामला था पिछले 2 साल से बहुत ही बड़े स्तर पर चल रहा था, मतलब खुलेआम चल रहा था। अब जब इसको हमें जानकारी मिली, जब हमने ठेकेदार को इसके लिए सूचित किया, लेकिन ठेकेदार द्वारा जो हमें आश्वासन दिया गया था समस्त ठेका श्रमिकों को, उस आश्वासन पे ठेकेदार बिल्कुल खरा नहीं उतरा। उसने किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और उसके बाद जब हमने उसकी आवाज़ उठाई तो हमें बाकायदा CO साहब के ऑफिस में बुलाकर हमने डराया भी जाया और हमें धमकाया भी गया कि अगर हम कोई पंजीकरण दर्ज कराते हैं तो उनके द्वारा हमें भगा दिया जाएगा। और जो वर्तमान में जो नीलेश बघेल था, जो चोर था, जिस पर कार्रवाई नहीं चाहिए थी, वो आज भी घूम रहा है, वो डेयरी में आता है, आज भी चले जाता है। 5 लोगों का नाम बताओ। और 5 लोग इसमें मुख्य आरोपी हैं, नीलेश बघेल और ठेकेदार का भाई है मनोज मंडल, जो पूरी अवैध वसूली करता था, नीलेश बघेल के कहने पर जो पूरी वसूली करता था वो था मनोज मंडल। अवैध वसूली ठेका श्रमिकों से, समक्ष ठेका श्रमिक है यहाँ पर, आप इन सबसे पूछ सकते हैं कि वो अवैध वसूली क्या थी। इनके अकाउंट में इनकी हाजिरी से ज़्यादा हाजिरी डाली जाती थी, जैसे इनकी हाजिरी 20 है तो इनके अकाउंट में 40 हाजिरी डाली जाती थी, और 20 हाजिरी के पैसे इनसे या तो फोनपे के माध्यम से लिए जाते थे या इनसे कैश लिए जाते थे दूसरे दिन। जिसकी हमने सूचना दी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी इसकी सूचना दी, परंतु उसका कोई निर्णय नहीं लिया। सर आपका नाम बता दीजिए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नाम है RPS तिवारी। आपका नाम बता दीजिए। भारत कुमार टाग। मामला शिकायत का है, इससे पहले भी शिकायत की गई थी, क्या संज्ञान होगा इसमें? आज मामला एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको ना कि मैं तो अवकाश पे था, आज ही मैं लौटा हूँ। जो भी शिकायतें आई हैं उनका निश्चित ही निराकरण होगा, जो फैक्ट है उसको देखा जाएगा,
और देखते हुए तदनुसार जो भी निर्णय होगा उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कार्रवाई करवाई जाएगी। सर तो 4 सालों से चल रही है गड़बड़ी यहाँ जी, 4 सालों से गड़बड़ी चल रही है। कहाँ? 3-4 सालों से भोपाल दुख में ये हेरा फेरी का मामला जो किस संदर्भ में? इसी के संदर्भ में, जिस संदर्भ में इन्होंने 3-4 साल से हेरा फेरी हाँ ये चल रही है। खेरा दो सर हमेशा चलता है ये डबल हाजी लाना, डबल हाजी 2-3 प्रकरण आ गए। हाँ ये डबल हाजी वाला सर, डबल हाजी वाला सर। अच्छा ये कोई नीलेश बघेल नहीं है उनको मतलब ये इसका ठेका दिया गया, इनके अलावा किसी का उल्लेख ही नहीं किया गया इसके अंदर। गोपाल विश्वास को भी बताया, गोपाल विश्वास ने भी कुछ नहीं करा। आपके OSD साहब हैं आपके RP तिवारी साहब, उन्होंने भी कुछ नहीं करा है इसके पूर्व में। मतलब ये कई शिकायतें इन लोगों की, शिकायतें रिसेंटली अभी आप लोगों ने करी है ना जी, पुरानी की शिकायतें करी, पूर्व में करी, पूर्व में भी कर चुके हैं। पूर्व में कब की है? 1-4 को करी है, 1-4 23-3 को करी है, नहीं 23-3 को करी है, 23-3 को करी है, 23-3 को की है। वहाँ से आपकी बिल्कुल हो रही है, उसको हम लोग पुट अप कर भी चुके होंगे उच्च अधिकारियों के समक्ष, पुटअप करना पड़ता है, ऑफिशियल प्रोसीजर जो होता है अधिकारियों का संरक्षण, अधिकारियों का संरक्षण सर। सीधा सा मामला ये है कि जो ठेकेदार है वो एक आदमी डबल हाजिर लगा के दूध देरी को नुकसान पहुंचा रहा है, इस पे उचित कार्रवाई होना चाहिए सबसे पहले। तो ऐसा आप लोगों की संज्ञान में आया? हाँ सर, फोन पे संज्ञान में भी आपने राइटिंग में दिया है इन लोगों ने ये जो, उसके बाद अब उसको देख करके उसकी जो भी जो होती है कार्रवाई, जो आदेश प्राप्त होंगे ऊपर से उस हिसाब से कार्रवाई कराई जाएगी निश्चित ही। MD साहब को किस संज्ञान में भी हम लाएंगे, जो आज आप लोग आए हुए हैं उनके संज्ञान में ला करके और पुटअप करेंगे अकॉर्डिंग। ठीक है, सर नाम बताइए पहले। मैं जफर अली प्रदेश कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष। क्या मामला है आज गोविंदपुर थाना पहुंचे? सर मामले तो इनमें बहुत पहले के हैं, RPS तिवारी के खिलाफ पहले से हाईकोर्ट का मामला चल रहा था, जिनकी शिकायतें हमने अनुखबार संगठन के माध्यम से शिकायतें करी, जिसकी कार्रवाई आज दिनांक तक किसी भी अधिकारी कर्मचारियों पे, जो भी अधिकारी रहे हैं भोपाल दुस्संघ में, उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। RPS तिवारी का ये बंच भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है और MPCDF MD जी को भी दिया है, और हमारे जो क्या कहते हैं बल्ला भवन में जो बैठे हैं, क्या नाम इनका, चीफ सेक्रेटरी, उनको भी दिया है मैंने ये बंच, मगर आज दिनांक तक RPS तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और चोरी पे चोरी और डेयरी को बिठा दिया था, ठेका सैमिक भी इनसे त्रस्त हैं, ठेका सैमिक भी सब परेशान हैं, और सबको धमकी दी जाती है कमरे में बुला के आप लोग कुछ करोगे मेरे खिलाफ़ तो गेट के बाहर करवा दूँगा। ये खुलेआम धमकी CO देते हैं इनको, ठेकेदार देते हैं। तो मेरा निवेदन ये था कि इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए और तिवारी को आज की डेट में तुरंत तत्काल कार्रवाई करके सस्पेंड किया जाए। ठीक, भोपाल में